हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एप्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एज लाइटनिंग ऐप के बारे में। तो ये जो ऐप है वो सारे एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, और इसमें आप अपनी खुद की एक क्रिएटिव थीम भी बना सकते हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारी इमोजीज जैसे कि सुपर हीरोज या फिर और बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये ऐप है वो बहुत ही लाइट वेट है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे 4 MB में आ जाता है, और ये आपकी फ़ोन की मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस ऐप के सारे फीचर्स स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो आज का हमारा ऐप है एज लाइटनिंग ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में लाता रहता हूँ जो आपके काम आए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे ऐप को। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन कर लेते हो, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इस ऐप में आपको कुछ थीम्स ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाते हैं, तो आप इसमें से कोई भी चूज़ करके अपने फ़ोन पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे इसी तरह से अपनी खुद की एक क्रिएटिव थीम बनानी हो, या फिर आपको यहाँ पे कोई भी इमोजी सुपर हीरो जैसे वाले इमोजीज बनाकर आपको अपनी खुद की क्रिएटिव थीम, या फिर आपका जो फ़ोन का कैमरा हो अगर आपका स्ट्रेट ना हो, जैसे कि नॉच हो या फिर इन्फिनिटी टाइप हो, तो वो भी आप इसमें बना सकते हो खुद की एक थीम। और अगर आपको यहाँ पे अपने जो थीम है अगर आपको दूसरे ऐप्स में ओवरले करने हो, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखते हो, अगर आप वो सेटिंग नहीं करते हो, तो वो आपका जो ये वॉलपेपर है वो जो दूसरे ऐप से जैसे कोई भी हो, गेम हो या फिर व्हाट्सएप हो, उनमें ओवरले नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे वर्क करेगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए मैं भी आपको यहाँ पे अपनी खुद की एक थीम बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे एक क्रिएटिव थीम बनानी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएटिव थीम जो ऑप्शन दिया गया है जो प्लस था, उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे एक नेम पूछेगा, तो आप यहाँ पे सिंपली कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABC करके। और देन आपको यहाँ पे ओके क्रिएटिव पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन क्लिक करने के बाद आपका जो क्रिएटिव पैड है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो बॉर्डर कलर्स, तो यहाँ पे जो भी कलर्स रन हो रहे हैं पीछे उन्हें आप यहाँ पे वेरिएशन दे सकते हो, जैसे कि आप मुझे रेड कलर को वेरिएशन देना, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो उसे कोई भी वेरिएशन में, जैसे कि यहाँ पे मैं उसे लाइट या फिर डार्क कर सकता हूँ। देन ओके पे क्लिक कर लेना है, तो वो वेरिएशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। देन आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है रन स्टाइल, तो रन स्टाइल में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्वीप, लीनियर और रिवर्स। तो यहाँ पे जो ये चल रहा है वो है स्वीप। देन अगर आपको लीनियर स्टाइल चूज़ करें तो आप लीनियर भी चूज़ कर सकते हो, उसमें आपको यहाँ पे और भी 3 या 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। देन अगर आपको यहाँ पे उसे रिवर्स में करना हो तो रिवर्स में भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं तो यहाँ पे लीनियर ही सेट कर देता हूँ। देन आते नीचे, देन आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाते हैं जो है इमोजीज, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे कि इमोजी स्टाइल्स में भी आपको यहाँ पे इमोजीज मिल जाएंगे, जैसे कि उसके बाद आपको यहाँ पे हीरो स्टाइल्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे हीरो स्टाइल जो कि स्पाइडरमैन जो भी है आयरन मैन पसंद हो, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। और देन आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे इमोजीज के टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस ऐप में। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है आपको समझने के लिए यहाँ पे लाइन ही रख देता हूँ। देन आपको यहाँ पे बैकग्राउंड करके और एक ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे बॉर्डर सेटिंग्स जो कि सबसे मेन ऑप्शन है जो आपको सेट करना ही होगा, जो अगर आपको एनिमेशन स्पीड है वो अगर आपको सेट करनी हो जाएगी स्लो या फिर फास्ट, तो मैं यहाँ पे आप इसको मीडियम ही रखूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे। देन अगर आपको मिलता है बॉर्डर साइज़, तो बॉर्डर साइज़ में आप यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसे आप यहाँ पे बॉर्डर साइज सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से रख देता हूँ। देन आता है रेडियस स्टॉप, तो आप यहाँ पे रेडियस भी आपका फ़ोन का जो एडजस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो जो रेडियस है वो किस तरह से एडजस्ट हो रहा है अपने आप। देन आप उसी तरह से रेडियस बॉटम को भी एडजस्ट कर सकते हो, तो दोनों को आपको यहाँ पे सेम रख देना है। देन आते हैं अभी दूसरे मेन ऑप्शन पर जो है फ़ोन स्टाइल, तो अगर आपका यहाँ पे फ़ोन होगा कुछ डी नॉच या फिर इन्फिनिटी या फिर होल टाइप, तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और इनमें भी आप अपनी अलग सी कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे रेडियस या फिर विड्थ या फिर हाइट में कोई चेंजेस करने हो तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो
जो नॉच है वो यहाँ पे कैसे मैं खुद से एडजस्ट कर रहा हूँ, पर यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरा फ़ोन तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लाइन में है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसे सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर लेना। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो थीम है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। देन सिंपली आपको यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे एनेबल वॉलपेपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से सेट वॉलपेपर है उस पर ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपको अगर होम स्क्रीन पे रखना है या फिर लॉक स्क्रीन या फिर दोनों जगह पे रखना है। तो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे रख देता हूँ। देन अगर आपको इस थीम को अगर डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है या फिर एडिट करना है तो वो आपको इस थ्री डॉट में जाके क्लिक करना है। देन आप यहाँ से इसे उसे एडिट भी कर सकते हो या फिर उसे रिमूव भी कर सकते हो। देन आते हैं हमारे लास्ट और सबसे मेन ऑप्शन पे जो है होम में। तो होम में जाना है आपको और आपको यहाँ पे एनेबल ओवरले अदर एप्स करके जो ऑप्शन है उसे ऑन करना है। अगर आपको जो वॉलपेपर है वो अगर किसी अदर ऐप जैसे कि कोई भी ऐप्स हो उसमें ओवरले करना चाहते हो ये लाइव वॉलपेपर, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करना ही पड़ेगा। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हो तो ये जो वॉलपेपर है वो बस आपका जो आपने जो भी सिलेक्ट किया रहेगा होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन उनमें ही आपको ये दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है एनेबल ओवरले अदर एप्स उसे यहाँ पे ऑन कर लेना है। देन आपका जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। देन आते सिंपली यहाँ पे हम बैक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो होम स्क्रीन पे यहाँ पे ये वर्क करे। तो अभी हम यहाँ पे यूट्यूब को चालू करते तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूट्यूब पे भी वर्क कर रहा है। देन अदर ऐप्स में भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसे भी ओपन कर लेते हैं। देन इसमें भी वर्क कर रहा है और जैसे कि और अदर ऐप जैसे कि क्रोम को भी आप यहाँ पे चालू करके देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी ऐप्स यहाँ पे ओवरले कर रहा है। देन अगर आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को बंद रखना है तो आप यहाँ से इसे बंद भी रख सकते हो, जैसे कि ये अदर ऐप्स ओवरले नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम फिर से यूट्यूब को चालू करते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये यूट्यूब पे ओवरले नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से आप इस सेटिंग को ऑन या ऑफ करके आप दूसरे ऐप पे इसे ओवरले कर सकते हो। तो ओवरऑल ये ऐप बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कूल लगता है फ़ोन में। तो इस ऐप को ज़रूर यूज़ करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ऐप कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।